हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द पर्संस हु आर गोइंग टू अपियर फॉर क्लैट, एलेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर ऑल्सो अपियरिंग फॉर अदर वन डे एग्जाम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल द एसेंशियल फैक्ट्स रिलेटेड टू मंकी पॉक्स। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताएंगे अबाउट मंकी पॉक्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ दिस डिजीज गॉट इट्स नेम, ये कौन से वायरस से रिलेटेड है, कौन से वायरस फैमिली से रिलेटेड है, कितने डिफरेंट टाइप्स के इसके क्लैड हैं, कब पहली बार ये ह्यूमन में डिटेक्ट किया गया था, एंड ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वायरस, एज वेल एज जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि यूरोप, यूएसए और अब इंडिया में भी ये जो वायरस के जो केसेस मिले हैं, इसका जो स्टडी है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स मिले हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे, एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द मंकी पॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So before starting the video, let me introduce that we at Manu Law Classes, we have already started with 1 year and 2 year course. You can know more about our batches by calling us at 9971444054, or you can visit our website, that is www.lawentranceindia.com. Now friends, before starting the video, let's look at this expert which has come from the Director General of World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Now see, this is the statement which he has made while declaring monkeypox as a public health emergency of international concern. Ab dekhiye what he is saying, we have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission, about which we understand too little. For all these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Now see, in this statement, he is highlighting the important attributes of monkeypox. The first is that the outbreak, that is the present outbreak of 2022. It has spread around the world rapidly. If you will see, more than 70 countries, now we are finding the case of monkeypox. थ्रू न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब पहले जिस तरीके से ये ट्रांसमिशन होता था, अब उस तरीके से ना होकर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन विच वी कैन सी इन दिस डिजीज, और जिसके बारे में जानकारी अभी WHO के पास भी काफ़ी कम है। सो दैट इज द रीजन दैट इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट थ्रू न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ विच द ग्लोबल हेल्थ बॉडी हैज़ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन। दैट्स वाई द मंकी पॉक्स आउटब्रेक हैज़ बिन declared as the public health emergency of international concern. Okay, so let's start with the monkeypox. Now friends, in this slide we are going to study the basic facts about monkeypox. आप यहाँ पे अफ्रीका का मैप देख सकते हैं जहाँ पे ये पहली बार डिजीज को पाया गया था, एंड दिस डिजीज इज ऑल्सो एंडेमिक नॉट इन ऑल ऑफ अफ्रीका बट इट्स यू कैन सी इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड द वेस्टर्न अफ्रीका। ओके, सो इफ यू कैन सी ओवर हियर दैट मंकी पॉक्स जो है वो एक ट्रॉपिकल डिजीज़ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ओके, सो दीज आर द रीजन्स ऑफ ट्रॉपिक्स अराउंड द इक्वेटर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो दिस इज द जूनॉटिक डिजीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूनॉटिक, वायरल जूनॉटिक डिजीज। वायरल तो आप समझते हैं कि इट इज कॉज बाई वायरस। जूनॉटिक का मतलब दैट इट हैपन्स थ्रू एनिमल्स टू ह्यूमन, ठीक है, that is called as zoonotic virus. मतलब the reservoir over here is animals. Okay, if you will just see the reservoir, monkeypox के जो reservoir होते हैं those are rodents or monkeys or non-human primates. So the viral zoonotic disease that occurs primarily in the tropical rainforest of central and west Africa. Now friends, it is the virus जो होता है monkeypox, it belongs to ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस। ऑर्थोपॉक्स वायरस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने काउ पॉक्स का नाम सुना होगा, कैमल पॉक्स का नाम सुना होगा, स्मॉल पॉक्स का भी नाम सुना होगा। ओके, दैट इज ऑल बिलोंग टू ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस। जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस है इट बिलोंग्स टू अ लार्जर फैमिली ऑफ पॉक्स विरिडे। नाउ द मंकी पॉक्स, ये हाउ द नेम हैज़ कम दैट मंकी पॉक्स, इसको मंकी पॉक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहली बार जो वायरस डिस्कवर किया गया था, डिटेक्ट किया गया था, ये कुछ लैब टेस्टिंग के लिए कुछ मंकीज को रखा गया था, उन मंकीज में ये पहली बार ये वायरस को पाया गया था। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मंकी पॉक्स इन द ईयर 1958।
But the first human infection, it was reported in 1970 from the Democratic Republic of Congo. This is the area which is called as Democratic Republic of Congo. अब हम इसका अगर केस फर्टिलिटी रेशियो देखें कि मतलब अगर 100 लोगों को मंकी पॉक्स होता है तो उसमें से कितने परसेंट लोग जो हैं दे विल डाई बिकॉज ऑफ मंकी पॉक्स, तो वो काफ़ी कम रहा है. इट इज़ ओनली 3% to 6%. ओके अच्छा, अगर हम क्लैड्स देखें, देयर आर टू डिफरेंट क्लैड्स ओके ऑफ मंकी पॉक्स. वन इज सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड, ठीक है. वन इज सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड जिसको हम कॉन्गो बेसिन क्लैड भी कहते हैं. कॉन्गो एक रिवर है जो पास होती है सेंट्रल अफ्रीका से, उसको हम कहते हैं कॉन्गो बेसिन क्लैड. वन इज सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड एंड द नेक्स्ट इज वेस्ट अफ्रीकन क्लैड. ओके, इसमें से जो सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड है इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो हमेशा वेस्ट अफ्रीकन क्लैड से बहुत ज़्यादा रहा है. अगर हम सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड का अगर देखें तो इसकी जो मॉर्टेलिटी है या केस फैटेलिटी रेशियो है वो अराउंड 10% रहता है, और वेस्ट अफ्रीकन क्लैड का बहुत ही कम, दैट इज ओनली 1%. ओके, सो दिस आर द टू डिफरेंट क्लैड्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस. देन ये स्प्रेड कैसे होता है? सो नॉर्मली इट स्प्रेड्स थ्रू एनिमल्स बिकॉज इट इज अ जूनोटिक वायरस, थ्रू ह्यूमंस एंड इफ एनीबॉडी टचेज अ कंटेमिनेटेड मटेरियल विच हैज बीन इन्फेक्टेड बाय मंकी पॉक्स वायरस. द नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स. तो देखिए, केस डिटेक्शन में हम ये देखते हैं कि दैट इफ एनी पर्सन हु हैज़ द ट्रैवल हिस्ट्री टू अ एंडेमिक रीजन, दैट इज टू द एनी अफ्रीकन कंट्री वेयर मंकी पॉक्स वायरस आर फाउंड, तो अगर हम वहाँ पे का केस डिटेक्शन में हम देखते हैं कि क्या उस इंडिविजुअल ने लास्ट 21 डेज में उस कंट्री को विजिट किया है, और विजिट करने के बाद इफ दैट इंडिविजुअल इज शोइंग द सिम्टम ऑफ अनएक्सपेक्टेड रैश एंड अलॉन्ग विद एनी ऑफ दिस सिम्टम्स लाइक हेडेक, फीवर, एग्जॉशन, मसल एक एंड बैक एक, लेसियंस, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, देन वी कॉल इट दैट यस दैट पर्सन हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मंकी पॉक्स. मंकी पॉक्स वायरस का जो अगर हम देखें कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, लाइक इंक्यूबेशन का मतलब कि डिजीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सिम्टम्स जो है वो कितने दिन में दिखाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड. सो द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर मंकी पॉक्स इज अराउंड 5 to 21 days. सो 5 to 21 दिन लग सकता है मंकी पॉक्स वायरस को अपने सिम्टम्स को दिखाने में. नाउ द नेक्स्ट इज कि वायरस का जो ट्रांसमिशन मोड है वो कैसा है. तो दो टाइप के ट्रांसमिशन मोड्स लिखे गए हैं, एक तो है ह्यूमन टू ह्यूमन, एक है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. सो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशंस में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहीं पे है एंड एनी पर्सन इज एक्सपोज टू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, ओके, फॉर अ प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट, देन दैट पर्सन कैन गेट द मंकी पॉक्स डिजीज. और इफ दैट पर्सन कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स और लीसियन मटेरियल, लीसियन का मतलब इन्फेक्टेड सेल, सो लीसियन मटेरियल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, देन दैट इंडिविजुअल कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस डिजीज. और इफ दैट पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड सर्फेसिस, ओके, लाइक इट मे कंटेन लिक्विड और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, और उस सर्फेस को अगर टच कर देता है देन दैट पर्सन कैन गेट इन्फेक्टेड विद मंकी पॉक्स वायरस. द सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जो नॉर्मली सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में अभी तक देखा गया है. सो दीज आर लाइक कि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो रोडेंट्स एंड प्राइमेट्स, जैसे कि मंकी हो गए, ये सब दे आर द होस्ट ऑफ दिस मंकी पॉक्स वायरस. अगर ऐसे किसी जानवर ने काट लिया इंसान को या खरोच मार दिया, ओके, देन दिस वायरस कैन गेट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन. सो द फर्स्ट इज बाइट और स्क्रैच ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स लाइक रोडेंट्स एंड मंकीज. सेकेंड होता है बुश मीट प्रिपरेशन, कि ऐसा मीट बनाया जा रहा है ऑफ दैट इन्फेक्टेड एनिमल, देन इट माइट लीड टू ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स वायरस.
द नेक्स्ट इज, अभी जो केस देखा जा रहा है मंकी पॉक्स वायरस का, आप लोग न्यूज़ में भी पढ़ रहे होंगे कि यूरोप यूएसए में ये केस जो है बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इंडिया में भी ये केस डिटेक्ट हुआ है। ओके, लास्ट वीक तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टोटल 8 केसेस इंडिया में कंफर्म किए थे, जिसमें से एक डेथ भी है। बट देर आर टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इन दिस आउटब्रेक ऑफ 2022। दिस टू डिफरेंट वेरियंट्स आर B.1 एंड A.2। इसमें से B.1 का ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू A.2 स्ट्रेन। सो द B.1 इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज इन यूरोपियन कंट्रीज। सेकेंड, यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखेंगे तो 90% ऑफ द मंकी पॉक्स केसेस दे आर बीइंग डिटेक्टेड इन यूरोप। ठीक है, 90% ऑफ द केसेस, उसमें से भी अगर हम देखेंगे कि 99% ऑफ द केसेस, द WHO इज सेइंग कि जो 99% ऑफ द केसेस है, देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल विद अ सर्टन सेक्ट ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड एज MSM, दैट मैन हैविंग सेक्सुअल इंटरेक्शन विद मैन। नाउ कमिंग टू इंडिया, इंडिया थाईलैंड और USA में जो स्ट्रेन डोमिनेंट है दैट इज नॉट B.1, दैट इज A.2। सो इफ यू विल look at the transmissibility of B.1 and A.2. So B.1, it is highly transmissible. A.2 is, it is not as transmissible as B.1. उसके बाद अगर हम देखेंगे two different clade, that is Congo Basin clade and West African clade, तो इसमें से जो Congo Basin clade है, it is responsible for causing more severe disease and it is more transmissible as compared to West African clade. Now there is one very interesting fact. क्या अफ्रीका की कोई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये दोनों क्लैड मिलते हो? नॉर्मली अगर हम देखेंगे देन कॉन्गो बेसिन क्लैड दे आर फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज एंड वेस्टर्न अफ्रीकन क्लैड दे आर फाउंड इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, बट एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड एज कैमरून। कैमरून में अगर हम देखेंगे तो कैमरून एक ऐसा कंट्री है अफ्रीका का जहाँ पर दोनों क्लैड पाए जाते हैं। नाउ वी नो दैट मंकी पॉक्स वायरस दे बिलोंग टू ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली, टू द सेम फैमिली इज ऑल स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नाउ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ओके, इज इफेक्टिव अगेंस्ट मंकी पॉक्स ऑल्सो। नाउ द रीजन इज वाई, सो द सिंपल रीजन इज बिकॉज मंकी पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स दिस both belong to orthopox virus family, so they both belong to orthopox virus family. Okay, अब स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स में ज्यादा सीवियर कौन है? सो अमंग स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स डिजीज इज मोर सीवियर एज कंपेयर टू मंकी पॉक्स, बट वी कैन यूज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एंड मंकी पॉक्स ऑल्सो बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कमिंग इज दैट अभी तक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ही डिक्लेयर किया, दैट ऑल्सो ऑन 23 जुलाई 2022। नाउ वाई इट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर एज पैंडमिक लाइक कोरोना? ओके, सो वाई इट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर एज पैंडमिक बिकॉज मंकी पॉक्स वायरस इज नॉट स्प्रेडिंग एज फास्ट एज कोरोना वायरस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट जो फर्टिलिटी रेट है मंकी पॉक्स वायरस का वो कोरोना की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम देखेंगे अभी भी इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 3% to 6%। सो वाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मंकी पॉक्स एंड कोरोना वायरस? सो द आंसर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस इज डिफरेंट। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मंकी पॉक्स वायरस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। द डिफरेंस लाइज इज जो मंकी पॉक्स वायरस है वो एनवलप्ड मतलब क्लोज्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ठीक है, इट मींस कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है और म्यूटेशन दोनों का रेट कोरोना वायरस से काफ़ी कम है। वाई? बिकॉज कोरोना वायरस वॉज, कोरोना वायरस इज आरएनए वायरस, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई डी ऑक्सीलाइक कार्बोनिक एसिड वायरस। ओके, सो यहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस जो है वो डीएनए वायरस है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड क्लोज्ड है।
कोरोना इट इज़ आरएनए, सो कोरोना इज़ मोर ससेप्टेबल टू म्यूटेशन। कोरोना वायरस में आप देखोगे क्योंकि इनके वेरियंट्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत हाई नंबर में पाए जाते हैं, विच मेक्स दैम ईजिली टू इवेड द सिस्टम, टू इवेड द इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप बाई एन इंडिविजुअल थ्रू वैक्सीन और थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस। बट इन द केस ऑफ मंकी वायरस द केस इज नॉट सो, दैट्स वाई ट्रांसमिशन भी कम है, म्यूटेशन भी कम है और फर्टिलिटी रेट भी कोरोना से कम है। नाउ कमिंग टू मंकी पॉक्स इन इंडिया, सो ऑन 15 जुलाई 2022 द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स वॉज डिटेक्टेड इन केरला इन एन इंडिविजुअल हु हैड रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरात। दैट वॉज द फर्स्ट केस इन साउथ एशिया रीजन ऑल्सो। देन द फर्स्ट डेथ वॉज ऑल्सो फ्रॉम केरला, दैट इज इन अ 22-year-old पर्सन हु वॉज कन्फर्म विद द मंकी पॉक्स केस एंड देन ही डाइड। देन ऑन 3rd August 2022 इंडिया हैड रिपोर्टेड 8 मंकी पॉक्स केसेस, दैट ऑल्सो फ्रॉम ओनली 2 रीजन, दैट इज केरला एंड दिल्ली, एंड 1 फैटलिटी, दैट इज 1 डेथ फ्रॉम केरला। बाद में द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया टू मॉनिटर द मंकी पॉक्स केसेस इन इंडिया। दैट कमिटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 1st August 2022 और जो कमिटी के जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर विनोद कुमार पॉल या डॉक्टर वी के पॉल, जो नीति आयोग के मेंबर हैं, हेल्थ मेंबर। ओके, अब इस टास्क फोर्स का काम है फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ मंकी पॉक्स केसेस एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट फॉर डिटेक्शन, देन फॉर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट एंड फॉर मॉनिटरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मंकी पॉक्स केसेस इन इंडिया। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज फॉर मंकी पॉक्स वायरस। तो उसके प्रिवेंशन जो स्ट्रेटजीज हैं वो काफ़ी सिंपल है। पहला है अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड मटेरियल्स, देन द नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्टेड पेशेंट्स फ्रॉम अदर पॉपुलेशन, देन प्रैक्टिसिंग गुड हैंड हाइजीन जो हम कोरोना के टाइम भी करते थे, एंड वाइल ऑफरिंग केयर टू मंकी पॉक्स इन्फेक्टेड पेशेंट्स यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। These are the guidelines which have been outlined by the Ministry of Health and Family Welfare for the treatment of monkeypox patient in India. Now friends, at last we have certain questions which are related with monkeypox and which are fodder for your brain, and this type of questions can be asked in your CLAT, ALET or other exams also. So let's see the question. So the first question is, when was smallpox eradicated from the world? So the answer is 1980. Recently, India mein an organization has invited expression of interest for developing monkeypox vaccine in India. So name that organization. So that organization is the Indian Council of Medical Research. Iske jo director general hai, wo hai Dr. Balram Bhargava. The next is, name an Indian doctor who is the chief scientist at the World Health Organization. Then the answer is Dr. Soumya Swaminathan. She is the daughter of Dr. M.S. Swaminathan, who is regarded as the father of Green Revolution in India. The next is, the virus isolated from the monkeypox patients, they are sent to which organization for further investigation? So they are sent to National Institute of Virology. Now, where is the National Institute of Virology located? So it is located in Pune. The last is, who introduced the smallpox vaccine in 1796? So the answer is Edward Jenner. He introduced the smallpox vaccine in 1796. So friends, please subscribe to the YouTube channel of Manu Law Classes, and please subscribe to our Telegram, Facebook and Instagram channels for more interesting videos, shorts related to English, legal aptitude, quant, GK, etc., which will be important for your CLAT and ALET preparation. Thank you.